साइकिल बाइक स्किड हो रहा है यहाँ पे. ओह माय गॉड, इट्स क्वाइट रिस्की बट एडवेंचरस. इसी का मिसिंग था थोड़ा सा. ओह भूसा ले तो आए नीचे, बट यहाँ कैसे मुड़ेगा वो देखना पड़ेगा. अल्टीमेट फाइनली. सो पारों के रास्ते में हमने किया थोड़ा सा डी टूर और देखो हम लोग कहाँ पहुँच गए. अब हमें ये वाटर क्रॉसिंग करनी है. थोड़ा सा डीप है बट वाटर इज सो क्लीन, सब कुछ दिख रहा है मुझे अंदर में. अभी सिर्फ एक ही चिंता है, जूते भीग जाएंगे तो क्या किया जाए, क्योंकि जो मेन हाईवे है या उस पर वापस जाया जाए थोड़ा सा पीछे जाके, या इसी पे कंटिन्यू करके आगे निकल जाया जाए. तो एक दुविधा है, अभी सुलझाते हैं. बट आई एम इन फॉर एडवेंचर, मुझे तो ये करना है. बट मुझे बस ये देखना है बाइक कहाँ से जाएगा. यहाँ तक तो चला जाएगा एंड शायद वहाँ पे डीप लग रहा है मुझे, जहाँ पे वो रैपिड बन रहा है छोटा सा उस तरफ में. चलो 1 2 3. व्हाट्स अप, मज़ा आ रहा है ना दोस्तों इस पूरी सीरीज का. आगे देखते जाओ, 6 एपिसोड अभी पेंडिंग है. फिलहाल तो 2 गुड न्यूज आपके साथ मैंने शेयर करनी थी, इसीलिए आपके एंटरटेनमेंट में रुकावट का खेद दिया गया, खेद यू नो. सो न्यूज नंबर 1, डिटेलिंग डेविल्स ने एक नया स्टोर खोला है वडोदरा गुजरात में, जहां आके मैं मीटअप करने वाला हूँ 5th of May. सारी डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इनफैक्ट अपने इंस्टाग्राम पे और कम्युनिटी टैब में यूट्यूब के. सेकेंड गुड न्यूज, आई जस्ट रिसीव्ड अ पैकेज एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज फॉर यू. एग्जैक्टली इसमें क्या है फटाफट करते हैं इसकी अनरैपिंग और उसके बाद आपके साथ न्यूज शेयर करता हूँ. तो गाइस कैसी लगी आपको अनरैपिंग ऑफ द न्यू आईवेल एप शेड्स? एंड बता दिया था मैंने आपको पहले ही, ये मेरे लिए नहीं है आपके लिए. कैसे मिलेंगे वीडियो देखते रहो, बताता हूँ. सबसे पहले एक चीज़ इन शेड्स के बारे में, हम लोग बहुत पसंद करते हैं, अगर आपने देखा हो भूटान वाला सीरीज पूरा देखा हो अभी तक, सारे जो दोस्त हैं ना वो यही वाले सनग्लासेस पहन रहे हैं फ्रॉम आईवेल एप्स. और हर जगह जाके मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि यार इतने पैसों में इससे अच्छी चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है. दे आर 100% पोलराइज, यूवी प्रोटेक्टेड एंड बहुत कूल लगते हैं और आपकी आईज़ को ना बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं. एग्जैक्टली मैं क्यों इसको रेकमेंड करता हूँ मैं बताता हूँ. बहुत लोग क्या करते हैं, 200-400-500 रुपये के जो अच्छे दिखने वाले सनग्लासेस हैं ना वो ले लेते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ना उनकी आंखों पे वो असर करते हैं. उसमें विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती है और आंखों में इचिंग होती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. सो मैं उन सारे दोस्तों को रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपको अच्छे सनग्लासेस लेने ना, ये वाले ले लो. डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जाके खरीद डालो. अब पॉइंट पे आते हैं, मैंने क्यों ये अनरैप किया और क्यों बोला ये आप सबके लिए, क्योंकि मैं यहाँ से प्लान कर रहा हूँ कि कुछ जेसन नेशन की मर्चेंडाइज और कुछ ये वाले ग्लासेस लेके मैं पहुँचने वाला हूँ अगले मीटअप पे बड़ोदरा. और इसी सीरीज का भूटान सीरीज में से कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा और अगर जिसने भी सही जवाब दिए दे कैन विन दिस एज अ फ्री गिफ्ट. मेरा देखो, वैसे ये पत्थर नहीं होता फेंकने के लिए. 1 2. सो थिनले का बाइक फंस चुका है. थोड़ी सी घबराहट हो रही है यार. भूसा अटक गया तो, क्योंकि काफी डीप है. सी कमान.
पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, बट आई टेल यू सबसे एडवेंचरस पार्ट है हमारे इस ट्रिप का, बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया। एक बार और वापस जाऊंगा मैं, क्या मज़ा है बॉस। थोड़ा सा एग्जर्शन हो जाता है, बहुत हैवी है, बहुत स्किट हो रही थी, बट आई मैनेज्ड। ओह यस, हाँ ये पानी दिखने में कम लग रहा होगा बट पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पानी है, कम से कम 2 फुट पानी है और बहुत ठंडा पानी है। ओह ऑलराइट, सो लेट्स डू इट अगेन। ओह भाई साहब, बहुत डीप है, बहुत डीप है यहाँ पे। Boom, 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 boom.